परंतु गुरु महाराज ने जो प्रशिष्ट की रचना की यह देहरादून में बैठ करके की। देहरादून में 20 सितंबर 1957 को इसकी रचना आरंभ की। इसके लिए 8 अक्टूबर 1957 को यह प्रशिष्ट पूरा हुआ। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, गुरु महाराज, क्योंकि ये 1957 में लिखा गया, 13 नवंबर 1960 को तो गुरु महाराज ने अपने पंच भौतिक धाम का त्याग कर दिया, 97 वर्ष की आयु में इसकी रचना हुई। अब श्री स्वामी जी महाराज को लिखने के लिए परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को दिल्ली से बुलाना हुआ, और वह बहुत बड़े ऑफिसर इरिगेशन डिपार्टमेंट में। हुआ ये, छुट्टी मिलना अति कठिन हो रहा था परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को, परंतु उस देववादी देव ने अपना कार्य करवाना था। स्वामी जी महाराज ने कहा आप आ जाओ। प्रेम जी महाराज देहरादून में बैठ करके श्री स्वामी जी महाराज बोलते चले जाते और परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज इस प्रशिष्ट को कागजों पर लिखते चले जाते। पूरन जब यह प्रशिष्ट हुआ, विडंबना क्या हुई, प्रेम जी महाराज का बहुत आवश्यक कार्य जो ऑफिस का था, एक भी दिन उसमें नागा नहीं था। गुरु महाराज के, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के जो डेली अटेंडेंस रजिस्टर है उस पर साइन हो रहे थे और परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज अपने ऑफिस का कार्य कर रहे थे शरीर सहित। अपने ऑफिस का कार्य करते हुए देहरादून में भी शरीर सहित गुरु महाराज का ये सेवा कर रहे थे। ये शक्तियां श्री स्वामी जी महाराज को उस विधाता से प्राप्त थी, हरिद्वार की वह घटना। ऊपर कमरे में सभा शुरू होने का समय हो गया, तब तुलसी का पानी डॉक्टरों ने कहा था स्वामी जी महाराज को देने के लिए, 7 पत्ते 7 बार धोकर उसको एक शेर पानी में, जब पाव भर पानी रह जावे इतना उसको उबालना होता था, और वह श्री स्वामी जी महाराज को दिया जाता था। संतोष सिंह श्री स्वामी जी महाराज के डॉक्टर थे, तो उन्होंने गुरु महाराज की सेहत को देखते हुए ये आदेश किया था। पंडित लक्ष्मी दत्त जी शर्मा और पूज पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज, ये स्वामी जी महाराज के लिए उनके कमरे में ये तुलसी का पानी लेके जाया करते। परंतु उस साय परम पूज श्री स्वामी जी महाराज अपने कमरे में नहीं, वॉशरूम में देखा नहीं, पीछे बरामदा है उसमें देखा नहीं है, जान गए परम पूज श्री प्रेम जी महाराज बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए, जो हरिद्वार कमरा के बाहर, स्वामी जी महाराज कमरा के बाहर बने हुए थे, उस सीढ़ियों पर बैठ गए। इंतजार करो, स्वामी जी अभी आ जाएंगे। कुछ समय के पश्चात स्वामी जी महाराज पसीनों से लथपथ हांफते हुए, मैं लंदन गया था, मेरा प्यारा कैंसर से पीड़ित था, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करना चाहते थे, मैं उसके लिए गया था, इसलिए मैं अपने कमरे नहीं था। शरीर सहित स्वामी जी महाराज ट्रेवल किया करते थे,
एक लोक से दूसरे लोकों में भी उन्होंने वर्णन किया है, भानु किरण को पकड़ करके, ये सूर्या की किरण को पकड़ करके मैं उस धाम तक उस यात्रा कर ले लिया करता हूँ। ये सब गुरु महाराज अपने प्यारों को बता दिया करते। तो ये परिशिष्ट प्रेम जी महाराज देहरादून में भी है और नित प्रतिदिन वह अपने ऑफिस में भी अटेंडेंस है, अपना कार्य कर रहे हैं। वह तेरियां तू जाने करतार, ये दोनों महाशक्तियां परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, भगवान शिव महादेव के अवतार हैं, हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, और परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने तो ये स्वयं अपना नज़ारा दिखाया हुआ है। गुजरात में किस प्रकार शिवलिंग से परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज अपने भक्त को दर्शन देते हैं प्रकट होकर के, यह परिशिष्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब विचार करना कितने भाग्यशाली होंगे, इसके पीछे कितनी शक्तियां कार्य कर रही थी और हम सब के लिए यह गुरु महाराज ने इतना सुलभ कर दिया। यह परिशिष्ट पूरक अंश है श्री रामायण का, श्री स्वामी जी महाराज इस पर प्रवचन किया करते। रेखा जी परिशिष्ट 592 पृष्ठ, नाम की महिमा।